नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए अब बात करते हैं Xiaomi के बारे में। Xiaomi एक अपने आप में ही काफी बड़ा नाम जो आजकल काफी सारी चीजें बना रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2010 में ली जुआन के द्वारा। Xiaomi ने इसके बाद अपना एक एंड्रॉयड बेस्ड फर्मवेयर लॉन्च किया, यानी अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करा MIUI, जो कि आजकल काफी फेमस है। और साल 2011 में Xiaomi ने अपना पहला स्मार्टफोन MI1 लॉन्च करा। उसके बाद 2013 के आते आते Xiaomi ने 18.7 मिलियन स्मार्टफोन चाइना में बेच चुकी थी, और उसी के बाद से इसने अपना एक्सपेंशन बाहर के देशों में शुरू किया। आइए अब हम आते हैं अपने उसी सवाल पे, Xiaomi इतनी पॉपुलर कैसे हुई। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके कम दाम में बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं। इसके कम दामों के से ये फायदा होता है कि ये काफी लोगों को आकर्षित करती है, बजट फ्रेंडली होती है, और इसमें जो परफॉर्मेंस मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है, बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं। मैंने भी इसके नोट सीरीज के बाद से ही Xiaomi को अपना पसंद करना शुरू किया। मेरा फोन सबसे पहले एक्चुअली जो मैंने लिया था वो रेडमी नोट 3 था, और इसमें कुछ चीजें और भी ऐसी कि इसमें कम बजट में आपको काफी बड़ा स्क्रीन साइज मिलता है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलते हैं जो कि काफी अच्छी पंची परफॉर्मेंस देते हैं आपको विद अच्छे बैटरी बैकअप के साथ। रीजन नंबर 2 में ये हम कह सकते हैं कि Xiaomi को वैसे इसकी लिमिटेड सेल्स के लिए काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है। काफी लोग इससे परेशान होते हैं कि कुछ को आधे फोन मिल पाते, कुछ को आधे फोन नहीं मिल पाते, क्योंकि ये हमेशा ही से ही फ्लैश सेल्स में चीजों को ऑफर करते हैं, जो कि आजकल नहीं है लेकिन पहले ऐसा ही था। ऐसा करने से कंपनी को भी फायदा है। फ्लैश सेल्स में क्या होता है, कंपनी की डिमांड बनी रहती है, लोगों में उसका उत्साह बना रहता है, और कंपनी को उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती, जो कि उसको फोन को अपने कहीं पे अगर वो स्टोर करेगी तो उसको वेयर हाउस वगैरह की पेमेंट देनी पड़ेगी। आइए इसको एक एग्जांपल से जानते हैं। सपोज Xiaomi ने 100,000 यूनिट्स शिप करी इंडिया में, और उसने बस 5,000 डिवाइस को ही सेल पे लगाया पहले दिन, तो वो तो उसके फटाफट से बिक जाएंगे और बाकी लोगों को उसी सेल के लिए एक हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि लेस सप्लाई और डिमांड हाई, तो इसी पे कंपनी खेल रही है। Xiaomi की अच्छी सेल्स का या इसकी कंपनी के अच्छे रेपो का हम ये कह सकते हैं कि Xiaomi ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट करता है ना ही कोई प्रमोशन करता है। इससे ये काफी मिलियन डॉलर्स को सेव करता है, और इससे अपनी कंपनी में कॉस्ट कटिंग भी होती है, जिससे ये उन पैसों को अपने अच्छे फोन्स बनाने में या फिर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को लाने में लगाता है। साथ ही इसका एक अपनी वेबसाइट भी है, और इसका अपना एमआई स्टोर भी आजकल खुल रहे काफी जगह, जो कि लोगों को डिमांड को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। रीजन नंबर 4 हम ये कह सकते हैं कि इसकी काफी अग्रेसिव है चीजों को बेचने की, चीजों को मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। देखिए कैसे, Xiaomi है तो वैसे चाइना की कंपनी, बट ये कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है, और एक्सपेंड चाइना में भी कर रही है, चाइना के बाहर भी कर रही है। कैसे, फ्लैश सेल्स के जरिए कॉस्ट कटिंग करके और कम से कम चीजों को अच्छी चीजों को बेच के। अभी तक जो Xiaomi है वो चाइना में थी, और फिर इंडिया है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है, ब्राजील, रशिया, मेक्सिको, अभी इन जगहों में काफी अच्छी उसकी पकड़ है, काफी अच्छी उसकी सेल्स होती हैं, और इसका ये भी कारण है। रीजन नंबर 5 काफी कम लोगों को पता है, ये एक ऐसी बात है जिससे इस कंपनी को बहुत फायदा होता है। आपने सुना ही होगा क्वालकॉम जो कि मोबाइल प्रोसेसर बनाती है, उस कंपनी का एक मेंबर Xiaomi कंपनी जब बन रही थी उसके पार्टनर मेंबर्स में से एक है। तो जब किसी कंपनी कोई मोबाइल प्रोसेसर बना रही है, उसका कोई मेंबर Xiaomi को के जब बन रही थी तो उसके पार्टनर में मेंबर में से एक है, तो उससे फायदा ये होता है उसको वही चीज वही प्रोसेसर कम दामों में ले जाते हैं, और वो उसको अपने उससे क्या होगा, उसको कम दामों में मिलेगा, अपने मोबाइल से यूज करेगी उसको अच्छी क्वालिटी प्रोसेसर को, और उसको कम रेट में भी बेच सकती है बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो यही थे हमारे 5 रीजन जिससे मैं कह सकता हूँ कि Xiaomi एक अच्छी कंपनी है और काफी जल्दी आगे बढ़ रही है। साथ ही इसके साथ साथ काफी और भी सामान Xiaomi इंडिया में लेके आ रही है, जैसे कि Xiaomi का स्कूटर, Xiaomi के MI बैंड, MI वॉच, MI बैग, मतलब बहुत चीजें हैं यहाँ पर जो कि इंडिया में आनी बाकी हैं और आ रही हैं। चलिए देखते हैं Xiaomi अभी आगे कितने रिकॉर्ड तोड़ती है, क्या करती है, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। थैंक यू, धन्यवाद।